एक बार कुछ जरूरी काम के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ा। वहाँ का काम निपटाकर मुझे वापस दिल्ली लौटना था। मेरी ट्रेन शाम को थी तो सोचा तब तक कुछ नाश्ता कर लूँ। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में गई तभी मेरी नज़र रोहित पर पड़ी। उसने भी जब मुझे देखा तो एक टक देखता ही रह गया। मेरी आँखों ने भी पल भर में उसे पहचान लिया था। रोहित कुछ कहना चाहता था मगर मैंने खुद को संभाला और निगाहें फेर ली। रोहित को लगा जैसे एक पल में मिली हुई खुशी अगले ही पल छिन गई हो। मैंने छुपी नजरों से फिर उसे देखा। रोहित अब तक मेरी तरफ देख रहा था। हेलो प्रीति, रोहित से रहा नहीं गया और वह मेरे पास आ गया। हेलो कैसे हो, धीमी स्वर में मैंने पूछा। जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही हूँ, रोहित ने जवाब दिया। तो मैंने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा तो नहीं लगता, थोड़े तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा, रोहित हंस पड़ा। हम दोनों करीब 3 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। 3 साल पहले ऐसे ही स्टेशन पर मुझको गाड़ी में बिठाकर रोहित ने विदा किया था। मैं उसकी जिंदगी से दूर जा रही थी। रोहित मुझे रोकना चाहता था मगर हम दोनों का ईगो आड़े आ गया था। मैं गई तो मायके थी पर हम दोनों को ही पता था कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, लौटकर नहीं आऊंगी। और फिर 2 महीने के अंदर ही तलाक के कागजात रोहित के पास पहुंच गए। एक लंबी अदालती कार्रवाई के बाद हम दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। चाय पियोगी, कॉफी पुरानी यादों का साया परे करते हुए रोहित ने पूछा था। हाँ कॉफी पी लूंगी, तुम तो चाय पियोगी ना, ठीक है अभी लाता हूँ। मैं रोहित को जाता हुआ पीछे से देर तक देखती रही। तलाक के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी पर रोहित अब तक अकेला था। वह मुझको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सका था। शायद यही हालत मेरी भी थी मगर शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और बताओ कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, रोहित चाय और कॉफी ले आया था मेरे पास बैठते हुए उसने पूछा। तो एक लंबी सांस लेकर मैं बोली, सब ठीक ही चल रहा है, बस आजकल अपनी तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें, चिंतित स्वर में रोहित ने पूछा। कुछ नहीं, बस अस्थमा से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस की तकलीफ रहती है। तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ वहाँ तो रखती हूँ, बस 2 दिन का काम है और फिर वापस दिल्ली लौटना है। जय अभी दिल्ली में ही शिफ्टेड है ना। अच्छा, मैं भी जयपुर काम से आया था, मुझे भी वापस जाना है, मेरी ट्रेन सुबह 7 बजे की है। फिर स्टेशन पहुंचकर मैंने रोहित से बोला, रोहित तुम देखो ना ट्रेन कब आएगी, ट्रेन मास्टर से पूछकर बताओ ना जरा, ट्रेन टाइम पर है या लेट है। हाँ अभी पूछता हूँ, कहकर रोहित चला गया। पूछताछ करने पर पता चला कि ज्यादा कोहरे की वजह से ट्रेन रद्द हो गई है। मैं घबरा गई, अब क्या होगा, ट्रेन कब चलेगी। देखो प्रीति, अभी तो यही पता चल रहा है कि 1 हफ्ते तक ट्रेन रद्द कर दी गई है। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा कैसे हो गया, मैं घबरा गई थी। मुझे शांत कराते हुए रोहित बोला, प्रीति परेशान मत हो, मेरे कजन ब्रदर का घर है यहाँ, वह आजकल चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है, इसलिए घर की चाबी मुझे दी हुई है। मुझे अक्सर यहाँ आना पड़ता है तो मैं उसी घर में ठहर जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें वहीं ठहरा देता हूँ, इतना तो विश्वास कर सकती हो मुझ पर। ठीक है, मैं रोहित के साथ चलती। रोहित मुझे लेकर कजन के घर पहुँचा। 1 बेडरूम के इस घर में बाहर बड़ी सी बालकनी और झूला भी था, अच्छा खासा लॉन था। गलियारे में सुंदर पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। घर छोटा मगर काफी खूबसूरत था। रोहित के घर पहुंचकर मैंने सारी बातें अपने वर्तमान पति यानी जय को बता दी। परेशानी के वक्त में पुराने पति की मदद लेने और उसके घर पर ठहरने के फैसले को जय ने पॉजिटिव में लिया और मेरे सुरक्षित होने की खबर पर खुशी जाहिर की। थैंक्स राहुल, मैंने घर का मुआयना करते हुए कहा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ, तुम मेरी गेस्ट हो ना। अच्छा तो अब तुम बनाओगे खाना, जब हम साथ थे तब तो कभी किचन में झांकते भी नहीं थे। वक्त और परिस्थितियां बहुत कुछ सिखा देती हैं। प्रीति मैडम, आप हमारे हाथ का खाना खाकर देखना उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्या बात है, बातें बनाना तो तुम्हें खूब आता है ना। ना चाहते हुए भी मेरी जुबान पर पुरानी यादों की तलखी आई गई थी। तुरंत बात सुधारती हुई मैं बोली, वैसे रोहित काफी अच्छे बदलाव नजर आ रहे हैं तुम में। थैंक यू, रोहित मुस्कुराकर काम में लग गया। वाकई उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था, मैंने स्वाद से खाना खाया। थोड़ी देर बातचीत करते हुए पुरानी यादें ताजा करने के बाद सोने की बारी आई। बेडरूम एक ही था। रोहित ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रीति तुम आराम से सो जाओ। यहाँ तुम कहाँ सोओगी, मेरा क्या है, मैं बैठक में सोफे पर एडजस्ट हो जाऊंगा,
मैं आराम से बेड पर लुढ़क गई। बहुत नींद आ रही थी, मुझे थकी हुई भी थी, फिर भी रात भर करवट बदलती रही। मन के आंगन में पुरानी यादें कुछ करोई और कुछ मीठी घेरा डाले जो बैठी थी। रोहित का भी यही हाल था। सुबह 8 बजे मेरी नींद टूटी। बाहर आई तो देखा कि रोहित नहा धोकर नाश्ता बना रहा था। क्या बात है, पूरी गृहिणी बन गए हो, घरवाली छोड़कर चली जाए तो यही हाल होता है मैडम जी, रोहित ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा। मैं लन में टहलने लगी, तभी रोहित चाय लेकर आ गया। मैंने चाय पीते हुए कहा, रोहित मुझे कुछ अजीब लग रहा है, सारे काम तुम कर रहे हो। देखो कह देती हूँ, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का भी, तुम केवल बर्तन साफ कर देना, जैसी आपकी आज्ञा मोहतरमा, हंसते हुए रोहित बोला। इस तरह हम दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए वक्त बिताने लगे। रोहित जितना संभव होता सारे काम खुद करता, उसे मेरी तबीयत को लेकर चिंता रहती थी। झाड़ू पोछा या सफाई का काम मुझको छूने भी नहीं देता। एक दिन सुबह सुबह मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। मैंने बताया कि मेरा इनहेलर नहीं मिल रहा है। रोहित उसी वक्त बाजार भागा, वहीं से इनहेलर और कुछ जरूरी दवाइयां खरीद कर भागा भागा घर लौटा। इस समय एक एक पल महत्वपूर्ण था। मेरी तबीयत काफी बिगड़ रही थी, मगर समय पर इनहेलर मिल जाने से मैं बेहतर महसूस करने लगी। उस दिन मुझको एहसास हुआ कि रोहित वाकई मुझसे बहुत प्यार करता है और अलग होकर भी वह मुझसे दिल से जुड़ा हुआ है। यह बात मैंने शिद्दत से महसूस की। मैं रोहित के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को थामती हुई बोली, मैं अपना अतीत पूरी तरह भूल जाना चाहती हूँ। आज से मैं केवल तुम्हारे साथ बिताए हुए यह खूबसूरत और प्यारे लम्हे याद रखूंगी। प्रीति, कौन कहता है कि एक्स हस्बैंड वाइफ दोस्त नहीं हो सकते। अब तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, हमारा पुराना रिश्ता तो अब नहीं जुड़ सकता, फिर भी दोस्ती का एक नया रिश्ता तो हम बना ही सकते है ना। उस दिन पहली बार हम दोनों गले लगकर खुशी के आंसू रोए थे। रात में मैंने रोहित को अपने पास ही सो जाने का न्योता दिया और बोली, आज मैं एक खूबसूरत भूल करना चाहती हूँ, बस केवल आज के लिए अपने हस्बैंड को चीट करूँ अपने दोस्त के खातिर। तुम तो बड़ी पाप पुण्य की बात करती थी कि विवाह के बाद पर पुरुष को देखने पर भी नरक मिलता है, या सती सावित्री ही आदर्श होती है, वगैरह वगैरह, रोहित बोला। मैं मुंह बिचका कर बोली, बेसब पाखंड तो मैं अपनी मौसी से सीख कर आई थी। पता है उन्होंने माँ को ही चूना लगा डाला, उनका पैसा एक ऐसी जमीन में लगवा दिया था जो थी ही नहीं और सिर्फ कागज थे। बचपन से हम समझते थे कि वे सुबह 3 घंटे पूजा करती हैं तो सही होंगी। उन्होंने माँ का कागज हिस्सा भी बेचकर पैसे बेटे बहू को दे दिए। माँ बहुत रोई थी। तब मैंने फैसला कर लिया कि इस झूठ फड़े में नहीं पड़ूंगी और अपनी शर्तों पर अपनी समझ से जीऊंगी। काश तुम्हें यह समझ पहले होती, कहता हुआ रोहित कपड़े फेंकते हुए मेरे साथ बिस्तर पर आ गया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भी उसके गालों को चूम लिया और फिर हम दोनों एक हो गए। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।